हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मुझे वेलकम कहिए जी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद अब वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो बस थोड़ा बिज़ी हो गए थे बच्चों के साथ। बच्चों के जो है ना, वो स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो गया था अब इनकी। इसको स्कूल डाल दिया है मैंने मोहम्मद अहमद को, और दी एजुकेटर्स में डाला है। इट्स अ बीकन हाउस प्रोजेक्ट, इसलिए ये मुझे अच्छा लगा। और ये इसकी बुक्स हैं, ऑलमोस्ट 12 बुक्स हैं। प्ले ग्रुप ने करवाया है, ये स्टोरी बुक्स हैं, और ए बी सी डी जो है वो स्मॉल लेटर्स की नोटबुक्स अभी इनकी स्कूल वालों ने जो है वो प्रोवाइड करनी है बाद में। फ़िलहाल जस्ट टेक्स्ट बुक्स हैं, और ये राइटिंग पैड्स भी हैं, और टेक्स्ट बुक्स भी हैं, रीडिंग बुक्स भी हैं, और स्टोरीज बनी हुई हैं, एट द जू, पैट, और बर्थडे पार्टी। ये पिक्चर स्टोरीज हैं बेसिकली, और ये मैथ की है। इसमें काउंटिंग, राइटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने दी हुई है बच्चों को। खुल जाओ बेटा, ओपन हो जाओ। ये मेरे से खोल ही नहीं रही थी, एक हाथ से खोल रही थी ना इसलिए। तो ये इस तरह से करके जो वन है, और इसके साथ वन जिराफ, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका रिकग्निशन कि इनमें से वन कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है, और साथ साथ उन्होंने ट्रेसिंग एंड राइटिंग भी की हुई है। फिर यहाँ पे भी वन का रिकग्निशन, इनके 2-3 वेज में उन्होंने एक जो है वो नंबर को दिया हुआ है। और इसके बाद उर्दू का इनका मुझे बड़ा अच्छा लगा ये तरीका का। और इनकी ना 2 बुक्स हैं उर्दू की। अमूमन इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो उर्दू में काफ़ी वीक होते हैं, लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें जो है वो एक ये स्टोरी के तरीके से उन्होंने उर्दू के जो हरूफ हैं उनको, उनके साथ वर्ड्स जो बनती हैं जो उन्होंने वो ली हुई हैं, और साथ साथ जो है उन्होंने एक नोटबुक टाइप की, नोट पैड टाइप की राइटिंग बुक भी दी है। तो जी ये जो है ये कैनवास है, इसमें कलरिंग और पेंटिंग वगैरह हुआ करेगी, स्टिकर पेस्टिंग भी है इसमें। तो ये भी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। जाता हुआ जो मौसम होता है ना वो, या आता हुआ कोई भी मौसम, वो एक दफ़ा ज़रूर आपको पकड़ता है। तो जितना बच सकते हैं बच जाएं बस। तो अभी मैंने बाइंडिंग करवा ली थी। बाइंडिंग से ये होता है कि ज़रा बुक्स जल्दी फटती नहीं है, बैग में इजीली रखी जाती हैं। और ये इसका बैग था, इसको बैटमैन का पता नहीं क्यों शौक चढ़ गया। मैंने कहा चलें हर चीज़ बैटमैन की ले आते हैं, लंच बॉक्स और ये वाटर बॉटल, और ये स्टेशनरी बॉक्स है इसका छोटा सा। वैसे तो सेपरेट जमा करवानी होती है स्कूल में स्टेशनरी, लेकिन ये इसका जस्ट एक पैक मैंने कंप्लीट करना था तो वो मैंने कर दिया। ये स्कूल बैग, स्टेशनरी और सब कुछ जो है वो स्पाइडरमैन का। टाइम लगा ज़रा इसको मैच करके फाइंड करने में, लेकिन चलो अल्लाह ताला का शुक्र है, कामयाब हो के बच्चा बहुत खुश हो गया। तो ये लंच बॉक्स था, और मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, और उसके बाद इसको मैंने जो है वो स्टार शेप में कटर के साथ कट कर लिया, और वो इसके लंच बॉक्स में रख दिया। मुझे पता था इसने खाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जो है वो बच्चे की खुशी और एक फॉर्मेलिटी जो है वो पेरेंट्स तो पूरी करते ही करते हैं ताकि बच्चा जो है वो एंजॉय कर सके। स्ट्रॉबेरीज इसको मैंने फ्रूट में दे दी साथ, और बनाना क्योंकि ये दो ही इसके फेवरेट फ्रूट्स हैं, तो मैंने कहा चलो खुश हो जाएगा। और वाटर बॉटल में चलें जी पानी डालते हैं, और ये इजीली इसके साथ बच्चा जो है वो पानी पी लेता है। चलें जी, वाटर बॉटल में मैंने वाटर डाल दिया, ज़्यादा नहीं भरा मैंने, इतना वज़न भी कहाँ सुर से उठाया जाना था। अभी फर्स्ट डे था, जस्ट 1 आवर के लिए जाना था इसने। अब ये देखें शरारतें कर रहा है, अपनी चीज़ें देख रहा है, उनको अनबॉक्स कर रहा है, और बहुत ही खुश हो रहा है। ये इसने ओपन कर लिया, बस इसको पेंसिल बॉक्स में सारी चीज़ें जो है वो निकाल के अरेंज करने लगे हैं हम। तो फर्स्ट डे जो है वो उन्होंने जस्ट 1 आवर के लिए, 1 वीक के लिए उन्होंने सिर्फ 1 आवर के लिए बच्चे को स्कूल में बुलाया, ताकि बच्चा जो है क्राइंग प्रोसेस और इससे जो है इजीली निकल सके, और जैसे ही उसकी फ्रैंकनेस हो जाएगी तो फिर वो स्टडी पे भी अच्छी तरह फोकस कर लेगा। सारा कुछ जो है वो इसका स्पाइडरमैन का आ गया था, और इत्तेफाक से इसका यूनिफॉर्म भी ऑलमोस्ट इसी कलर का जो है वो था, और इट वॉज़ अ गुड मैचिंग, और ये बड़ा खुश हो गया था। अब देखना ज़रा, हियर कम्स थम्स अप, वाओ, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू, और ये जी वेरी गुड। तो इसका जो एक्सप्रेशंस आपने देखे हैं, बच्चे की न्यू न्यू चीज़ें, स्टेशनरी और बैग, इस तरह की चीज़ों से ये बहुत एक्साइट हो गया था। और मॉर्निंग में ये बहुत खुश था, खुशी खुशी इसने ब्रेकफास्ट किया और रेडी हुआ स्कूल के लिए। और ये लंच बॉक्स में मैंने साथ इसको थोड़ी सी जो है ये भी स्नैक्स दे दिए थे, जूस और बिस्किट वगैरह। और ये इसका यूनिफॉर्म है, और ये देखें इसके बैग से ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, ब्लू एंड रेड। और
लूज़ ट्राउज़र्स, इजी टा ड्रेस था बच्चों का, ताकि बच्चे रिलैक्स फील करें। और ये रेडी हो रहा है लोशन पाउडर लगा के, हेयर कोम करके, बिल्कुल हीरो बन गया मेरा बेटा। वाइट शूज़ हैं इनके साथ और यूनिफॉर्म पहन के रेडी। एंड हियर्स द फाइनल लुक विद स्कूल बैग एंड माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अब जा रहे हैं नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स, तो रेडी है। मामा को इसके बालों की फिक्र लगी हुई थी कि वो बहुत ऊपर नीचे हुए थे, तो वो अब रेडी है फुल उसका लुक। बैक साइड पे उसने बैग पहना था, बड़ा शौक था। मैंने कहा मेरे हाथ में पकड़ा दो कि नो मामा मैंने वेयर करना है, और बाय बाय। अब डोर से जा रहे हैं बाहर बाबा के साथ। वैसे तो मैं भी साथ ही जा रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं कि ये गली में से गुजरते हुए बड़े खुशी खुशी हैंड उठवा के मैं खुद ही जाऊंगा। बहुत खुश था। तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। फिलहाल तो ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैप्पी जा रहा है, एक्साइटेड है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ फर्स्ट डे। तो लेट्स लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। एंड ये जी बैठ गया बाइक पे। अब पहले पीछे बैठने लगा था, फिर कहता नहीं मैंने आगे बैठना है, अब आगे बैठेगा। और आगे बैठ के शरारतें ज़्यादा करने को मिलती है ना इसलिए। और मम्मा को बाय बाय करेगा, बाय बाय मम्मा। अब स्कूल पहुंच गए हैं हम, और ये स्कूल है जी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, दी एजुकेटर्स। और ये वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, अगली आगे एक वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगी। और ये एंटर हो रहा है स्कूल में, तो ये रहा जी स्कूल का एंट्रेंस। काफ़ी डेकोरेटिव बच्चों के वेलकम के लिए किया हुआ था उन्होंने, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। इन सब चीज़ों को देख के बच्चे बड़े खुश होते हैं, पैरट्स एंड मंकीज़ और एनिमल्स देख के। ये भी बहुत खुश हुआ था, एक्साइटेड हो गया था देख के। और बड़े मज़े से इसने जो है वो अंदर एंट्री की थी। तो ये था जी इनका वेलकम का बोर्ड। हमने परीजा को खड़ा कर दिया पास, इसलिए कि उसका ड्रेस जो है वो मैच हो रहा था, येलो और वाइट, काफ़ी ब्राइट कलर्स थे, अच्छे लग रहे थे। वेलकम टू न्यू सेशन। अब ये अंदर जा रहा है और ये जो है रोता हुआ अंदर गया है ज़बरदस्ती। और ये इसका जो है स्कूल, और ये इसके छोटा सा प्लेग्राउंड है। इसके फ्लोर्स बने हुए हैं, नीचे बेसमेंट में भी हैं काफ़ी ज़्यादा टॉय, इसके टॉयज़ भी हैं। और जो इसके क्या कहते हैं इन्हें, झूले माइयाँ जी, बच्चों की स्लाइड्स और काफ़ी सारे झूले वगैरह लगे, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं है अंदर। डेट्स वाई मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो बच्चे फिर पेरेंट्स को देख के ज़्यादा क्राइंग करते हैं, इस वजह से हमें बाहर ही बिठा दिया गया था। तो परीजा एंजॉय कर रही है मुफ्त में, मज़े लूट रही है इसके। तो आगे फिर हम लोग को जो इस रूम में बिठाया गया था वो ये था, एक छोटा सा मैंने हल्का सा जैसे उसका कैप्चर किया, क्योंकि पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो ये इसका रोते हुए का चेहरा था जब ये बाहर आया था। ये फर्स्ट टेक अवे इसको मिला, और ये देख के भी ये खुश नहीं था, फिर भी रो ही जा रहा था। और फिर इसको मैंने पानी पिलाया और इसको रिलैक्स किया, इसको कहा कि जूस ड्रिंक कर लो, और फिर कुछ लंच। इसने कहा चलें ठीक है मैं खाता हूँ। और ये देखें कपड़ों के साथ ही बच्चे सबसे पहले साफ़ करते हैं। तो फिर लंच में इसको ये था कि ये ठंडा हो गया है, और इसने बनाना बस खाया, जूस भी नहीं पिया, थोड़ा सा पिया। और एक्टिविटी इसने नहीं की थी, फिर मैंने इसको गोदी में पकड़ के दोबारा लेके गई, और इसको जो है वो टीचर से कह के ये एक्टिविटी करवाई। सब बच्चों ने ये की थी। हैंड प्रिंट जो था वो ग्लास पे, इन्होंने ग्लास विंडो पे जो है वो किया था। तो इसका बस जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी ही बाद में पूरा हुआ था। तो वेल ओवरऑल बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया।